मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बिरजा मंडल में पूजा करने की अनुमति मांगने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों द्वारा बिरजा मंडल में पूजा करने की अनुमति मांगे जाने के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर तीखा बयान जारी किया, जिस पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने ओवैसी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बिरजा मंडल में मस्जिद कभी थी ही नहीं, इसे जबरन बनाया और थोपा गया है। उन्होंने कहा पूरे भारत में जहां भी जांच की जाएगी वहां मंदिर ही मिलेंगे, अगर दस्तावेज और साक्ष्यों की बात करें तो कहीं भी मस्जिद नहीं दिखेगी। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मध्य प्रदेश में संघ के संगठनों ने मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गजट का हवाला देते हुए इसे मस्जिद माना और पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि कलेक्टर का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कानून का पालन किया। ओवैसी के इस बयान के बाद विदिशा में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, विरोध स्वरूप असदुद्दीन ओवैसी का पुतला भी फूंका गया। हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर ओवैसी को कोई संदेह है तो वे हैदराबाद से विदिशा आकर खुद देख सकते हैं। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने बिरजा मंडल में पूजा करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कलेक्टर ने एएसआई के गजट का हवाला देते हुए इसे मस्जिद बताया और अनुमति देने से इनकार कर दिया। विदिशा में 9 अगस्त को नाग पंचमी पर पूजा अर्चना की गई, जिसके अगले दिन 10 अगस्त की रात को ही विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद का तबादला कर उन्हें गृह विभाग में उप सचिव बना दिया गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हाल ही में 47 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसमें विदिशा कलेक्टर का भी नाम शामिल था। इस घटनाक्रम ने राज्य में राजनीतिक हलचल मचा दी है।